हेलो फ्रेंड्स आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आऊँगी फाउंडेशन को एक्चुअली मैं प्रॉपरली अप्लाई कैसे करना है देखिए प्रॉब्लम आती है कि आपने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया बट क्या हुआ पैच आ गया यानी पैच पड़ जाता है ज़्यादातर मैक्सिमम ये प्रॉब्लम आती है कि मैम पैच पड़ जाता है और ना हमारा फाउंडेशन प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं हो पाता इसका रीज़न क्या है देखिए मान लीजिए कि आपको स्टेप्स पता है मैं एग्री कर रही हूँ कि आपको सब स्टेप्स पता है कि आपको किस तरह से अपना मेकअप को प्रिपेयर करना है लेकिन उसकी टेक्निक क्या है ये भी जरूरी है अब देखिए फाउंडेशन अप्लाई करने के आप अलग अलग तरीके जो है हो सकते हैं ये वाला ब्रश देखिए ये ब्रश कैसा है एक फ्लैट ब्रश है ठीक है ना एक फ्लैट ब्रश है ना ये तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से प्रेस्ड फॉर्म में है और थोड़ा सा वाइड है और इसके जो ब्रिसल्स हैं ये प्रेस फॉर्म में हैं यानी कि थोड़े स्ट्रेट फॉर्म में हैं ये जो ब्रश होता है ये फाउंडेशन ब्रश ही होता है बात ये है कि आप क्या इस ब्रश को प्रॉपरली यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि इस ब्रश का यूज़ करना सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आपको यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह का ब्रश लें ये देखिए ये सर्कुलर ब्रश है ठीक है ना कैसा है ये सर्कल में और इसके ब्रिसल्स जो हैं काफी सॉफ्ट हैं और साथ ही साथ ये जो ब्रश है ये प्रॉपरली अच्छे से स्पेस लेके ब्लेंड करेगा ब्लेंडिंग हमेशा डैपिंग फॉर्म में होती है बात ब्लेंडिंग ही नहीं हो रही है मैं यहाँ पे बात ब्लेंडिंग की नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ बात कर रही हूँ अप्लाई करने की क्योंकि अगर आपकी अप्लाई एप्लीकेशन जो आपने प्रोवाइड की है फेस पे अगर वो ठीक होगी तभी तो आपका मेकअप फ्लॉलेस बनेगा सेकेंड हमारे पास आते हैं ब्लेंडर्स। अगर आपसे ब्रश का यूज़ नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली ब्लेंडर की तरफ जाएं। ब्लेंडर से आप प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे अब देखिए मैं आपको तरीके बताती हूँ कि आपको एक्चुअल में किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह अप्लाई नहीं करना है ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हम इस ब्रश की बात करते हैं अभी ये देखिए ब्रश तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं दो ही ब्रशेज की बात कर रही हूँ ठीक है ना दोनों ही बहुत ही बेस्ट हैं लेकिन इससे अप्लाई करना इस पर आप लोग जस्ट टैप करना स्टार्ट कर दो कि ये भी एक मेथड है लेकिन फाउंडेशन एक्चुअली में किस तरह अप्लाई करना है आप यहाँ पे देखिएगा अब देखिए एक तो तरीका ये है कि आपने इसकी होल्डिंग कैसे करनी है ब्रश की अगर आप ब्रश को बैक से होल्ड कर रहे हो किसी भी एप्लीकेशन के लिए सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं कर रही किसी भी एप्लीकेशन के लिए तो प्रेशर क्या जाएगा कम प्रेशर जाएगा प्रेशर क्या जाएगा कम जाएगा लेकिन अगर आप किसी चीज़ को आगे से पकड़ के ब्रश को आगे से पकड़ के होल्डिंग करके उसका ब्लाइए तो प्रेशर ज़्यादा जाएगा इस चीज़ का फर्क होता है तो होल्डिंग कहाँ से होनी है मिडल में थोड़ा मीडियम सा प्रेशर रहता है अगर आपको अपने हैंड के साथ लाइट प्रेशर से काम करना है देन इसको बैक से टर्न करें अगर मिड मिडल से करना है तो बीच का प्रेशर रहेगा इसको आप थोड़ा सा प्रेस कर करोगे तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर फ्रंट से प्रेस करोगे तो प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि अब जब हम राइट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब हम लिखते हैं राइट करते हैं पेन से तो प्रेशर कितना है लेकिन पेन को पीछे से पकड़ के लिख के देखना क्या प्रेशर बनता है नहीं बनता क्योंकि क्यों प्रेशर आगे से बनेगा तो क्या होगा जब आप प्रेशर किस तरह से है तो हमने क्या करना है हमने जो अप्लाई करेंगे हम बैक से पकड़ के इसको अप्लाई करेंगे बैक से होल्ड करेंगे ताकि हमारा प्रेशर जो है वो ज्यादा ना बने दूसरा इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है अपना मैंने क्या किया यहाँ से फाउंडेशन लिया ठीक है और मैं यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ अपने फेस पे एंड देन मैंने इस तरह से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया अब क्या हुआ अब हाफ फेस फेस पे मैंने फाउंडेशन लिया एंड अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया अब ये देखिए अब ये जो मैंने एप्लीकेशन की है यहाँ पे देखिए ये जो मैंने कितनी पैच नज़र आ रहे हैं क्यों क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है तो आपको ये तरीका तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है मैक्सिमम यही तरीका फॉलो करते हैं ऐसी बात नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते बात ये है कि आपको प्रैक्टिस कितनी है अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ये तरीका फॉलो करें कर सकते हैं मैं ये नहीं कह रही कि मत करें कर सकते हो लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो क्योंकि जहां पर अनइवेंट स्किन है ना जहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं हुआ है वहां पे क्या आएगा आपको पैच नजर आएगा और ब्लेंड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ये होता है तो ब्लेंड करने में ज्यादा टाइम लगेगा अब देखिए दूसरा तरीका क्या है अभी मैंने क्या किया था आपने क्या किया मैंने सिखाया कि आपने ऊपर से जस्ट लिया ब्रश देखिए कैसे पकड़ा है ऊपर से सीधा पकड़ा हुआ है एंड देन मैंने इस तरह से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो है ये प्रॉपर वे नहीं है अब आप क्या करोगे सेकंड वे ब्रश को सीधा नहीं पकड़ना ब्रश को हल्का सा डायगोनल करके पकड़ना है थोड़ा सा फ्लैट करके पकड़ना है एंड देन इस तरह से इस तरह से ताकि इस सरफेस पे इस सरफेस पे हमारा फाउंडेशन आए ठीक है फ्रंट के साइड साइड में सारा फाउंडेशन आए एंड देन आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना है इस तरह से देन आपको अप्लाई करना आप फेस पे स्टार्ट करना है अब आप देखिए अगेन ये वाली फॉर्मेशन एंड इसकी एप्लीकेशन करें अब आप ये अब आप खुद ही देख लीजिए दोनों में फर्क कितना है मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ एप्लीकेशन करने के बाद और आप दोनों में फर्क देख सकते हैं ये भी मैं डैप देखिए ये भी मैंने डैप फॉर्मेशन में किया था ये भी मैं डैप फॉर्मेशन में कर रही हूँ ये भी मैंने बैक से पढ़ किया था ये भी मैं बैक से ही होल्ड करके कर रही हूं एंड फाउंडेशन अप्लाई कर लिया अब आप ये देखिए इन दोनों में फर्क कितना है जब मैंने इस साइड फाउंडेशन अप्लाई किया है तो ये पूरे फेस पे अप्लाई हुआ है कहीं पे पैच नहीं है कि पैच लग गया और यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई हुआ और यहाँ नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे इस तरह से अप्लाई एक चीज़ तो ये वाली अप्लाई अप्लीकेशन एक चीज कि डैप इस इस फॉर्मेशन में एप्लीकेशन करना यानी जैसे इस इस तरह से इस तरह से करते हुए एप्लीकेशन करना तो ये दूसरे तरीका है ठीक है ना तो दोनों अलग अलग तरीके हैं तो आपको जब भी फाउंडेशन अप्लाई करना है इस तरह से अप्लाई नहीं करना इस तरह से अप्लाई करना है फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अब ब्लेंड कैसे करना है ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है सबके साथ कि ब्लेंड कैसे करना है देखिए अब आपको ब्लेंडिंग का तरीका बताऊं या तो आप ब्रश से ब्लेंड करेंगे या आप करेंगे ब्लेंडर से ब्लेंड ठीक है ना या तो आप ब्रश से ब्लेंड करेंगे या ब्लेंडर ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो डैम ब्लेंडर का यूज करें मींसू से ब्लेंडर को गीला करके इसको इसके अंदर अच्छे से जब पानी आ जाए जब ये आप इसके अंदर पानी आ जाएगा तो अपनी साइज से डबल हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा इसे सारा पानी स्क्वीज कर दें एंड देन ब्लेंड करें ईजिली ब्लेंड हो जाएगा अगर आपने ब्लेंड करना है ब्रश से तो कैसे ब्लेंड करें अगर आपने ब्रश से ब्लेंड करना है अपनी सेटिंग स्प्रे लें सीधा डायरेक्टली ब्लेंड करना मत स्टार्ट करें क्योंकि ये थोड़ा ड्राई है ये क्या है ड्राई है तो हम ब्लेंडर में भी तो पानी का यूज कर रहे हैं ना है ना तो ब्रश के लिए तो हमें कुछ चाहिए ना ऐसे ही तो आप अप्लाई नहीं करोगे ना तो ड्रा... आपका जो अगर आप ऐसे ही अप्लाई करोगे तो आपका जो मेकअप है वो ड्राई हो जाएगा क्या हो जाएगा ड्राईनेस की तरफ जा चला जाएगा तो फिर आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि मैम बैच पड़ गया ब्लेंड नहीं हुआ और ड्राई हो गया मेकअप ड्राई हो गया है और बहुत गंदा लग रहा है ब्लेंड नहीं हो रहा है क्योंकि ड्राई होगा तो ऑब्वियसली ब्लेंड नहीं होगा और ब्लेंड नहीं होगा तो पैच आएंगे कॉमन सी बात है, है तो आप क्या करोगे इस पर सेटिंग स्प्रे का यूज करें डोंट यूज फिक्सिंग स्प्रे हमेशा कहती हूँ फिक्सिंग स्प्रे का यूज़ नहीं करना है सेटिंग स्प्रे का यूज़ करना है सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं ब्लेंडिंग करने का तरीका दोनों का सेम है इसमें आप पानी का यूज़ कर रहे हो इसमें आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करूंगा देन इस तरह से ब्लेंड करना स्टार्ट करना है और आप देखिएगा कि आपको ब्लेंड कितने अच्छे से होता है सबसे अच्छी बात है कि जो फाउंडेशन ले रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए अच्छी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए ठीक है ना अच्छी कंपनी का होना चाहिए और सेकेंडली अगर आप ब्लेंडर से ब्लैंड करें तो अगेन फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आप इसको ऐसे डैप डैप करके ब्लेंड करना स्टार्ट करें कवरेज अच्छी होनी चाहिए आपके फाउंडेशन की बार बार बोल रही हूँ वरना प्रॉब्लम आएगा तो एंड देन इस तरह से आपको ब्लेंड करना स्टार्ट करना है और सेकेंडली कि सपोज कि आप कहते हो कि यार मुझे तो ना यूज़ ही नहीं मुझे ब्रश ही यूज़ नहीं करना जैसे कि मैंने तो फाउंडेशन का अप्लाई करने का तरीका था मुझे ब्रश ही मुझे ब्लेंडर ही यूज़ करना है तो आप क्या करोगे अगर आपको सिर्फ ब्लेंडर ही यूज करना है सबसे पहली बात डैम ब्लेंडर का ही यूज़ करना है जब अगर आपको ब्लेंडर तो आपने फाउंडेशन लिया ठीक है आपने फाउंडेशन प्रिपेयर किया फाउंडेशन कैसे प्रिपेयर करने हैं स्किन टोन के अकॉर्डिंग अंडर टोन के अकॉर्डिंग मिक्सिंग सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ठीक है ना तो आपने ब्लेंडर लिया एंड जस्ट जहाँ पे भी आपका फाउंडेशन है इस तरह से डैप करना है एंड देन ब्लेंड करना स्टार्ट करना है आपको पहले फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है लगा सकते हो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप इस तरह से करके जहां पे फाउंडेशन जहां पे मान लीजिए यहाँ पे फाउंडेशन अगर आपने लगाया है तो इस तरह फाउंडेशन के ऊपर डैप कीजिए डन ब्लेंड करना स्टार्ट कीजिए, देखेगा कितना फ्लॉलेस बेस बनता है आपका तो पे कंफ्यूज ना हो कि हमसे होगा नहीं या ऐसा नहीं होगा या हम नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ नहीं है यार सब कुछ कर सकते हो आप बस आपको एक पर्टिकुलर पाथ नहीं मिल पा रहा है आपको पर्टिकुलर टिप्स नहीं मिल पा रहे हैं यही प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो अगर आप ये फॉर्मेशन अप्लाई करके देखेंगे ना तब देखना और ज्यादातर क्या होता है ब्रश से जो है मेकअप नहीं होता ब्रश से मेकअप करना सीरियसली बहुत मुश्किल है लेकिन टेक्निक पता हो ना तो सब कुछ हो जाता है ओके सो फ्रेंड्स आई होप सो आगे भी मैं आपके ब्रश से रिलेटेड और ज्यादा वीडियोज लेके आऊंगी डोंट वरी ब्रश से मेकअप कैसे करना प्रॉपरली कैसे करना सब कुछ लेके आऊंगी तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स Goodbye.